नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। हम सूचना सहायक के लिए अपनी यूनिट 8 पढ़ रहे थे, जिसमें अपन कंप्यूटर के फंडामेंटल और आर्किटेक्चर को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बताया था, और सुपर कंप्यूटर्स में मैंने अपना जो भारत का सबसे फास्टेस्ट अब तक का जो सुपर कंप्यूटर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, वो कौन सा है, वो है परम सिद्धि AI। ठीक है, अब उसकी स्पीड को याद रखना है आपको, साथ ही हम देखो कहां पर हैं और दुनिया कहां पर है। हम तो भैया बहुत पीछे हैं, इतना पीछे है कि सोचो ही मत। हमारे पास सुपर कंप्यूटर जरूर है, लेकिन वो बहुत पिछड़ा हुआ सुपर कंप्यूटर है। तो कभी कभी क्या है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, या फिर कोई सुपर कंप्यूटर दे दिया, पूछ लिया ये किस देश का सुपर कंप्यूटर है। हर देश का एक फास्टेस्ट होगा, तो जो मेजर कंट्रीज हैं और उनके जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उनको 10 लिया मैंने, टॉप 10 उनको, और एक बार बस नाम याद होना चाहिए। फ्रंटियर है, फ्रंटियर का नाम आते ही तुरंत अमेरिका USA का है। ठीक है, बस ये चीज इस वीडियो में पहले डिस्कस कराऊंगा, फिर अपन जो नॉर्मल अपना फंडामेंटल आर्किटेक्चर है उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो दोस्तों द वर्ल्ड्स 10 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, पावरफुल कौन होंगे, जिनकी क्षमता स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, सबसे पहली रैंक पे आता है फ्रंटियर। कौन सा आता है? फ्रंटियर। फ्रंटियर है वो अमेरिका का है, क्योंकि आज हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम अमेरिका के बराबर नहीं पहुंच सकते। पहला, वहीं हमारे यहां 6 मिलियन 5 मिलियन खर्च करते हैं, वहां 600 मिलियन सुपर कंप्यूटर पर खर्च करते हैं, तो वो भी US डॉलर्स में। तो सबसे पहला जो है वर्ल्ड में वो है फ्रंटियर्स। फ्रंटियर का मतलब है फ्रंट पर खड़ा रहने वाला, यानी सबसे आगे चलने वाला। तो सबसे आगे फ्रंटियर से याद रहेगा आपको, जो अमेरिका का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका US का। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है HPE Cray OS। कुछ दिमाग में आ रहा है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को? क्रे फर्स्ट याद आया? क्रे फर्स्ट के साथ यहां पर जो HPE है, दैट्स मींस HP का कंप्यूटर आता है, सबने देखा होगा HP का कंप्यूटर आता है। HP का मतलब होता है हेवलेट पैकार्ड, तो वो कंपनी है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, HPE हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज क्रे OS जो HPE कंपनी ने डेवलप किया है सुपर कंप्यूटर्स के लिए। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, बहुत अच्छी ड्रिल बताता हूं मैं आपको, काम की बात बताता हूं, कि जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो, लेकिन वो किस पे बेस्ड होता है? वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड होता है। और लिनक्स किसका वर्जन है? यूनिक्स का ही निकाला हुआ वर्जन है लिनक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिक्स तो सबके दादाजी थे, और दादाजी में से पिताजी आए, पिताजी कौन थे? लिनक्स। और लिनक्स में से काफी सारे फ्लेवर्स आए और डिस्ट्रीब्यूशन आए। कभी भी लिनक्स के जो वर्जन्स होते हैं उनको अपन वर्जन नहीं बोलते। लिनक्स के जो अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, फ्लेवर्स मीन्स अलग अलग वर्जन बना दिए हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बना दिए हैं। तो लिनक्स की अगर बात करूं, एक काम की चीज बताता हूं, बीच में याद आ गई, अगर पूरी दुनिया से जावा को खत्म कर दूं और लिनक्स को खत्म कर दूं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग टेक्नोलॉजी में सब खत्म हो जाएगा। यानी एरोप्लेन से लेके जो फैन है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, TV है, AC है, कार है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सुपर कंप्यूटर है, सब टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी अगर मैं इस दुनिया में से जावा को और लिनक्स को खत्म कर दूं। तो आपको पता होगा जावा और लिनक्स कितनी दमदार चीज है। तो कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो और वो पावरफुल है, बड़े स्तर पर चलाना है, तो अपन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करते हैं। तो इनमें क्या है, लिनक्स के फ्लेवर्स और डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत, लिनक्स का मतलब क्या है, ओपन सोर्स है, उसकी प्रोग्रामिंग को हर कोई ओपन करके अपने हिसाब से रिबिल्ड कर सकता है, उसको फ्रीली, सबके पास आजादी है ये काम करने के लिए, इसलिए लिनक्स को ओपन सोर्स कहते हैं। लेकिन यूनिक्स ओपन सोर्स नहीं है, विंडोज ओपन सोर्स नहीं है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का ओपन सोर्स नहीं है, सिर्फ जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स है। और लिनक्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन हैं या फ्लेवर्स हैं, वर्जन हैं जो निकले हैं लिनक्स में से, उन वो भी ओपन सोर्स हैं। अब देखो यहां पर अगर बात करें HPE Cray ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका मतलब भाई साहब, HP का मतलब है हेवलेट, P फॉर पैकार्ड, E फॉर एंटरप्राइज, हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज Cray OS।
और ये जो एचपी ग्रे ओएस है वो किस पे बेस्ड है? लिनक्स पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? लिनक्स पे। तो कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो बड़े स्तर पे सुपर कंप्यूटर में चलाना तो वो लिनक्स पे ही बेस्ड होता है। तो एचपी ग्रे ओएस है वो मैंने आपको बता दिया, इसका स्वामित्व भी। अगर आपको एचपी ग्रे ओएस चाहिए तो आपको हेवलेट पैकार्ड की वेबसाइट से उनके एसोसिएट से पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर बातचीत करनी पड़ेगी, तब वो प्राइस बताएंगे कितने रुपए में देंगे आपको। पर आपके पास तो सुपर कंप्यूटर है नहीं, ये नॉलेज के लिए बताया मैंने। हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज ग्रे ओएस, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सुपर कंप्यूटर में चल रहा है, दुनिया के नंबर वन सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर में जो अमेरिका का है उसमें चल रहा है एचपी ग्रे ओएस, वो किस पे बेस्ड है? लिनक्स पे बेस्ड है। फ्रंटियर मींस सेना हमेशा फ्रंट पे खड़ी रहती है, इसी प्रकार फ्रंटियर मींस सबसे आगे खड़ा रहने वाला यानी नंबर वन का कौन हो गया? फ्रंटियर अमेरिका। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एचपी ग्रे ओएस जो लिनक्स पे बेस्ड है। आरमैक्स आर पीक, इसकी मैक्सिमम आर कितनी है? 1102 पेटा में, और हमारी कितनी थी अभी बताऊंगा। यहां पे देखिए 1102 पेटा फ्लॉप, और पीक पीक कितना है यानी थर्टिकल कितना उन्होंने सोचा था और पहुंचा कितना है? थर्टिकल जो पीक है उसकी वो है 1685.65 पेटा फ्लॉप्स, लेकिन इतना तो वो चलता ही चलता है। देखो एक हजारों में पेटा फ्लॉप में, वो भी हजारों में बात हो रही है। फिर दूसरे नंबर पर आता है अपना सुपर कंप्यूटर फुगाकू, ये जापान का है। कहां का? जापान का है। और ये इसमें भी देखो लिनक्स का ही फ्लेवर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइन है। तो इसमें कहां का ऑपरेटिंग सिस्टम है? फुगाकू में। फुगाकू, फुगाकू मतलब जापान, इसकी लैंग्वेज से पता चल रहा है फुगाकू मतलब जापान, जापान की बात हो रही है। तो दूसरे नंबर पर जापान, क्यों? जापान को भी हमको पता है कि टेक्नोलॉजी में कितना आगे है जापान, ठीक है। तो यहां पर फुगाकू मतलब जापान का ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरे नंबर पर है दुनिया में। और इसमें भी देखो लिनक्स का ही वर्जन डला है ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में, जो कौन सा? रेड हैट एंटरप्राइज। कौन सा? रेड हैट एंटरप्राइज। तो ये भी लिनक्स बेस्ड है। यहां पर देखिए आरमैक्स है इसकी 442 और आर पीक है 537, यानी थर्टिकली 537 और प्रैक्टिकली 442 पेटाफ्लॉप्स। तो ये भी बहुत है, लेकिन फ्रंटियर की बराबरी नहीं कर पाया जापान भैया। देखो इससे भी दो गुने से भी ज्यादा है फ्रंटियर की पेटाफ्लॉप्स यानी उसकी स्पीड, ठीक है। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं तो देखते हैं हम थर्ड पे है लूमी। कौन सा है? लूमी। लूमी है फिनलैंड का। आपने मोस्ट ऑफ जो टेक्नोलॉजिकल चीज होंगी उन पे मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन फिनलैंड, आपने देखा वो नोकिया के फोन्स में ज्यादातर लिखा रहता था मेड इन फिनलैंड। देखो मेड इन इंडिया तो हम हमारे जो तुच्छे मुच्छे चीजें उन पे, अगर बात करूं मैं मेड इन फिनलैंड, मेड इन ताइवान, मेड इन जापान, मेड इन चाइना, अब मेड इन वियतनाम, इन कंट्रियों में कई सारी कंपनियों के प्लांट्स बने हुए हैं, बड़े बड़े स्तर पर प्रोडक्शन होता है टेक्निकल चीजों का। तो यहां पर देखिए लूमी है वो फिनलैंड का, एचपी ग्रे ओएस, एचपी से हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज ग्रे ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? एचपी कंपनी का, हेवलेट पैकार्ड कंपनी का, जो लैपटॉप भी बनाती है। इसकी अगर स्पीड की आरमैक्स की बात करूं तो 309 पेटाफ्लॉप में है, और आरपी की बात करूं 428 पेटाफ्लॉप में है। एक और चीज बता दूं, कोई भी गूगल से क्रॉस मैचिंग करने की कोशिश मत करना कि एक बार क्रॉस मैच कर लो कि परम सिद्धि आएगी, सर ने बताई है वही है क्या, वाकई में मैं गूगल पर सर्च करके देखूं। गूगल पर सर्च करोगे अलग स्पीड मिल जाएगी आपको, वहां पेटा रिजल्ट टेरा भी मिल जाएगी आपको। वास्तविकता बताता हूं जो किसी को नहीं पता, कोई भी दुनिया में ये सारे के सारे सारी चीजों को बता देंगे, सारी टेक्नोलॉजी को शेयर कर लेंगे, लेकिन सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इन्होंने आज तक शेयर नहीं किया है। अगर मैं परम सिद्धि आई की बात करूं तो कोई नहीं है जो मुझे उसका फोटो ला के दे दे। अगर वो फोटो ला के देख रहा है समझ लो इनमें से कोई गूगल पर पढ़ा है उस फोटो को दिखा रहा है, यानी फोटो को भी नहीं दिखाते, डिजाइन तो बहुत दूर की बात है, ये एक टॉप सीक्रेट में से होता है, कभी नहीं दिखाते। जैसे मिसाइल, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम थे, लेट एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बहुत जीनियस व्यक्ति थे, है ना, लगभग सभी उनका सम्मान करते हैं, मैं भी उनका बहुत आदर करता हूं। जब भाई साहब सुपर कंप्यूटर की भारत में बनने में बारी आई, या बड़ी बड़ी मिसाइलों की बारी आई, या परमाणु एटॉमिक हथियार बनाने की आई, तो उन्होंने एक दो कंट्रियों से मुलाकात की, उनके साइंटिस्टों से बात की, लेकिन डिजाइन कोई नहीं दिखाता था। एक मॉडल बना के दिखा देते थे ऊपर से, लेकिन ओरिजिनल डिजाइन कोई नहीं दिखाता था कि चुराना ले डिजाइन, ऐसा भारत नहीं बना ले। तो कोई भी
कोई भी उसका ऊपर का स्ट्रक्चर सिवाय अमेरिका को छोड़ के, अमेरिका के फ्रंटियर का आपको दिख जाएगा क्योंकि ये एक्सपो वगैरह हम बता देते हैं, लेकिन रियल वर्किंग और सर्किटरी को फिर भी नहीं बताएंगे। हालांकि इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, कोई भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है सुपर कंप्यूटर, राइट? मैं सही कह रहा हूं, कोई भी बना सकता है, कुछ नहीं है। पैरेलल सिस्टम होते हैं, रैक होती हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मदरबोर्ड होते हैं, उन पर छोटे छोटे अपन रैम के स्लॉट भी लगाते हैं सेम इसी तरह से, और माइक्रो प्रोसेसर के स्लॉट भी लगाते हैं, फिर नीचे की रैक में अगला मदरबोर्ड, नीचे की में अगला, नीचे की में अगला, फिर एंड में सबको कनेक्ट करते हैं और फाइनल जो पीक निकलती है वो उसमें से निकलती है, फाइनल सारी रैकों में मिला के। यानी पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट होता है। हर कोई इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि एक तो पैसा, बहुत पैसा चाहिए, खरबों में पैसा चाहिए आज की तारीख में, अगर इसके बराबरी पहुंचना है तो खरबों में, वो गवर्नमेंट खर्च करना चाहती नहीं इस छोटे से सुपर कंप्यूटर पर। क्या करेंगे यार खरबों रुपए खर्च करके, इससे तो अपन लाखों और लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य बदल सकते हैं इंडिया में, तो उसको एक सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर वो खर्च करना नहीं चाहते। वरना कई सारे IITs के स्टूडेंट और प्रोफेसर्स मिलके और कई ये जो सुपर कंप्यूटिंग प्रोग्राम के साइंटिस्ट हैं उनके साथ मिलकर बना रहे, लेकिन उनकी फंडिंग रुक जाती है तो बीच बीच में वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते। तो सुपर कंप्यूटर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, बस आपको उसके लिए पैसा चाहिए, बाकी सॉफ्टवेयर तो खरीद लो, ये रहा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रहा HP CryoX डालो, काम करने लग जाए, उसकी सुपर पीक स्पीड दे दो, उसका बेंचमार्क देख लो, उस पर प्रेशर डालो वो कितनी देर में कर रहा है, तुरंत पता चल जाएगी स्पीड। ठीक है सर, यहां तक ज्यादा नहीं जाएंगे अपन क्योंकि ये डिस्कशन तो मैं जैसे आप 100-200-500 बैठे हैं तो ये घंटों डिस्कशन कर सकते हैं अपन इन सारी टेक्नोलॉजी का चीजों का। आगे चलते हैं सर, लियोनार्डो डा विंची, आपने नाम सुना होगा लियोनार्डो डा विंची, जो दुनिया के फेमस पेंटर थे। कौन थे? फेमस पेंटर थे लियोनार्डो डा विंची। एक फेमस ऑस्कर विजेता था हॉलीवुड का, उसका नाम था लियोनार्डो डी कैप्रियो, वो मेरा फेवरेट हॉलीवुड एक्टर था क्या है ना, वो भी शानदार ऑस्कर विनिंग मूवी उसने बनाई काफी सारी। ऐसे ही लियोनार्डो से याद रखोगे आप, लियोनार्डो डी विंची और लियोनार्डो डी कैप्रियो, ये तो हीरो और पेंटर हो गए। ये है लियोनार्डो सुपर कंप्यूटर जो इटली का है सर, इटली का। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं सर, फिर से लिनक्स आ गया, यानी सबका बाप आज की डेट में कौन है ऑपरेटिंग सिस्टम में, पावरफुल अगर सिस्टम है उसको हैंडल कौन कर सकता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है, लिनक्स या फिर लिनक्स का ही कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन जैसे रेड है गया, या कौन सा ये HPE क्रे, ये सब लिनक्स पे ही बेस्ड है। ठीक है, इसकी स्पीड की बात करूं तो काफी घट जाती है इटली वाले की, 174 जो इटली तो देखो कितना सा इटली है, भारत कितना सा है, फिर भी देखो 174 पेटा फ्लॉप है और थ्योरेटिकल कितनी है 255.75 पीटी फ्लॉप। ठीक है, पेटा फ्लॉप। अगला है समिट, अगर इंडिया बोले तो इसको सुमित भी कह देंगे, ठीक है, पर सुमित नहीं कहना, उनको समिट कहना है। ये भी यूनाइटेड स्टेट्स का है और RHEL, इसमें भी RHEL, अब बोलेंगे सर ये क्या है RHEL, अरे भैया कुछ नहीं है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, RHEL रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, दैट मींस ये वाला RHEL, इसको शॉर्ट में कह दिया हमने, तो ये भी क्या है लिनक्स पे बेस्ड है। वर्जन कौन सा है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का, 7.4। यहां पर अगर मैं स्पीड की बात करूं, RMX से 148 पेटाफ्लॉप, जबकि आर पीक कितना है थ्योरेटिकली तो वो है 200 पेटाफ्लॉप। ठीक है सर, लेकिन ये तो बाप की देखो भैया, ये सबका बाप है सुपर कंप्यूटरों का, फ्रंटियर हमेशा फ्रंट में रहेगा। फिर देखते हैं हम आगे के सियेरा, कौन सा सियेरा शायद मेरे हिसाब से टर्मिनेटर पिक्चर में कुछ था। अब देखिए ये भी यूनाइटेड स्टेट का है, RHEL रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, इसमें भी लिनक्स है भैया, 94 पेटाफ्लॉप्स, और आर पीक की बात करूं तो 125 पेटाफ्लॉप। हालांकि ये याद नहीं कर रहे हैं आपको, इस फ्रंटियर का याद कर लेना बस, ये तो समझा रहा हूं आपको कंपैरिजन करके, ये नाम थोड़े से याद रहे हैं, कभी वो पूछ रहे इनमें से सुपर कंप्यूटर नहीं है और इनमें से दे दिए चार, तो आपको करके आना, क्योंकि कई बार क्या है एग्जामिनर आपकी योग्यता का परीक्षण नहीं करता, आपको सिर्फ अटकाना होता है उसको आपको अटकाना होता है, उसको योग्यता परीक्षण नहीं करना। ठीक है, अब देखिए फिर है सनवे टाई हुंग लाइट, सनवे टाई हुंग लाइट नाम से पता चल रहा है चाइना का है, चाइना का सनवे रेस जीरो OS, ये साला जो है चाइना, ये ड्रैगन जो है अपनी अलग राजनीति और अलग तरीके से चलता है, दुनिया को ऐसा फील कराता है कि आई एम द बॉस और मैं ही बॉस हूं, सारी हमारी अलग चीजें, दुनिया हम पे डिपेंड है। हालांकि विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अगर चाइना के साथ इंडिया का व्यापार बिल्कुल बंद हो जाए तो इंडिया की GDP बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा अपन जो व्यापार करते हैं वो चाइना के साथ होता है, मेड इन चाइना के साथ। अगर कह रहे हैं ना चाइना का चीजों का बहिष्कार करो, अरे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है फिर,
चाइना से बहिष्कार कर दोगे, इंडिया में लाले पड़ जाएंगे रोटियों के। फिर आए 93 पेटा फ्लॉप है इसकी, ठीक है सर। अब देखिए सनवे टाई हूम लाइट के बाद आता है हमारा पर्ल मटर, पर्ल मटर, ठीक है। पर्ल एक प्रोग्रामिंग भाषा थी, PERL, पर्ल फॉर्ट्रॉन, जो हमारे पहले चलती थी। यह है पर्ल मटर, कौन सा है, 8 नंबर पर पर्ल मटर। यह भी यूनाइटेड स्टेट्स का है। HPE क्रे OS, हेवलेट पिकार्ड एंटरप्राइज लिनक्स क्रे OS, 70 पेटाफ्लॉप्स, 93 पेटाफ्लॉप। अभी दुनिया के 500 सुपर, जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर थे उनकी लिस्ट निकली, उसके टॉप 10 बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिए ये है सेलेन, ठीक है, ये है यूनाइटेड स्टेट्स का। ये इसमें उबुंटू, उबुंटू भी लिनक्स का ही फ्लेवर है, डिस्ट्रीब्यूशन है उबुंटू, कुबुंटू, ठीक है। और ये है 63 पेटाफ्लॉप, और आर मैक्स है इसमें 79 पेटाफ्लॉप, यानी थियोरेटिकली। अब है सर टियाने 2A, ये भी चाइना का, नाम से पता चल रहा है। इस पर क्या है, काइलिन लिनक्स, यानी इसने अपना एक अलग फ्लेवर बना लिया लिनक्स में से, काइलिन लिनक्स। पर मैंने कहा ना चाइना भी साला, देखो यहाँ पे कैसे उल्लू बना रहा है सबको, कहाँ पे, यहाँ पे देखो सनवे टाई हूम लाइट पे चाइना बता रहा है कि सनवे रीज OS, कोई समझ नहीं पाया लिनक्स है, लेकिन यहाँ पे देखो ये भी चाइना का है, यानी इसमें से ये बना रखा है इन्होंने। ये है 61 पेटाफ्लॉप और 100 पेटाफ्लॉप। अगर मैं बात करूं यहां पर, देखो यहां पर हमें देखने को मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो ऐसे हैं जो 100 की रेंज में है, और ये तो यहां पे फिर 100 से लेके भैया कहां तक पहुंच गए, देखो। अब आती है बारी, ये आपको देख ली स्पीड, स्पीड देख ली 1685 पीक और यहां पे 100 पीक। अब आते हैं हमारे भारत के खतरनाक उस पे आते हैं भैया, किस पे आते हैं, भारत के खतरनाक वाले उस पे आते हैं हम, सुपर कंप्यूटर पे। ये है भारत का सुपर कंप्यूटर, सबसे खतरनाक सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि AI। कौन सा है, परम सिद्धि AI, जो CDAC ने बनाया था। स्पीड देखो 4.6 पेटाफ्लॉप, फ्लॉप हो गया 4.6, यानी 4.6 पेटाफ्लॉप, सोच के देखो। अभी हम 1600 पेटाफ्लॉप की बात कर रहे हैं, ये है 4.6 पेटाफ्लॉप, इवन 10 से ऊपर नहीं है, हद हो गई। इसलिए ये क्या कह रहा है, देखो परम सिद्धि AI 2020 CDAC 4.6 पेटाफ्लॉप। देखो अपन एक, ये मजाक उड़ाना नहीं है, आप सोच रहे हो मजाक उड़ाना है, कभी कभी मन करता है कि पूरे भारत के जो मिनिस्ट्री है उसको सुना के ये मजाक सुनाया जाए, वहां हंसा जाए। हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे, ये बहुत सीरियस मामला है, ठीक है, ये कोई जोक नहीं है, ये एक सीरियस क्या है, बहुत ज्यादा सीरियस मामला है। अब सर ये क्या कह रहा है, ये दोस्त क्या कह रहा है हमारा परम सिद्धि AI, ये कह रहा है सिस्टम्स RMAX इसको डिस्क्राइब इट्स मैक्सिमम अचीव्ड परफॉर्मेंस। तो अभी मैंने RMAX R पीक पढ़ाया, तो RMAX का मतलब क्या था, RMAX का मतलब था मैक्सिमम अचीव्ड परफॉर्मेंस, यानी मैक्सिमम अचीव छुई है उसने जो परफॉर्मेंस वो, और R पीक इसको डिस्क्राइब इट्स थ्योरेटिकल पीक परफॉर्मेंस। थ्योरेटिकल मींस जिस हिसाब से अपन ने सारे सेटअप किए, इतने कोर के इतने प्रोसेसर लगा दिए, मान लो 10,000 प्रोसेसर लगाए अपन ने 2 GHz के, और इतनी रैम लगाई, उसके हिसाब से निकलनी चाहिए, वो तो होती है आर पीक, लेकिन प्रैक्टिकली जो काम किया, यानी वो तो क्या थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकली किया तो वो परफॉर्मेंस, तो आर मैक्स है ना। ऐसी मैंने आपको CPU में बताया था कि CPU में वो आपको उल्लू कैसे बनाते हैं, वेबसाइट पे डालेंगे वो मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी, CPU की स्पीड के बारे में, वो होती है गलत, बेस फ्रीक्वेंसी, यानी उस बेस फ्रीक्वेंसी को देखते लो, टर्बो फ्रीक्वेंसी को मतलब, टर्बो मतलब वो बात करा कि थ्योरेटिकली वहां तक पहुंच सकता है लेकिन पहुंचेगा नहीं, बेस फ्रीक्वेंसी मतलब प्रैक्टिकली जो है वो बेस फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, हाँ एक बार और दिखा देता हूं, 4.6 पेटाफ्लॉप, 1685 पेटाफ्लॉप, फ्रंटियर की होड़ कोई नहीं कर सकता, ठीक है।